हेलो हेलो पुलकित। हाँ मयंक भाई, पैसे कब दे रहा तू मेरे? हाँ पैसों का इंतजाम हो गया है, वही लेके आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है यार पुलकित, एक काम है यार तेरे से, मुझे ना यार पैसों की जरूरत है, मेरी माँ यार हॉस्पिटल में है, उसका इलाज करवाना है। यार भाई तुझे पता है ना मेरा घर गिरवी है मयंक के पास, और मुझे आज ही पैसे देने उसे, नहीं तो मेरा घर छिन जाएगा। भाई यार मुझे ना 1,00,000 रुपए की जरूरत है, मैं तुझे शाम तक लौटा दूंगा यार, अगर मेरी माँ का इलाज नहीं हुआ ना तो वो मर जाएगी यार। भाई चल माँ के लिए दे रहा हूँ यार, और बहुत उम्मीद से दे रहा हूँ, शाम तक दे दियो यार प्लीज, नहीं तो मेरा घर नहीं रहेगा। ले भाई इसमें ही है। अबे पुलकित बाहर निकल। हाँ मयंक भाई। हाँ भाई पैसे कब देगा, तेरे रोज रोज के ड्रामे हो गए हैं ये। अभी पैसे चाहिए मुझे। मयंक भाई मैं आपके पैसे लेके ही आ रहा था, आपको फोन करा था ना मैं, मेरे दोस्त को जरूरत पड़ गई और वो अभी तक नहीं आया पैसे लेके, थोड़ा टाइम और दे दो। अरे मयंक यू ना देवे पैसे, इसे घर से बाहर निकाल दे। ऐसा काम कर, यू घर मेरा है, निकल बाहर। हाँ भाई कौन है तू, यहाँ कोई पुलकित नहीं रहता। पर ये घर तो पुलकित का ही है। हाँ पर अब नहीं है, तुझे पुलकित से मिलना है ना, तो हमने सुना है पहाड़ियों वाले मंदिर पे रहता है, जा वहाँ। दिन ढलता है रात आती है। सॉरी यार मैं थोड़ा लेट हो गया था पैसे लाने में। ले भाई ये तेरे पैसे। भाई अब मैं इन पैसों का करूँगा क्या, जो मेरी मम्मी पापा की अमानत थी वो तो मुझसे छिन गई। भाई ये पैसे तू ही रख ले, और वैसे भी मैंने ऐसे ही जीना सीख लिया। भाई मुझे माफ कर दे यार। गिरते संभल। लाइफ में कुछ भी करो पर किसी का भरोसा मत तोड़ो। दिन ढलता है रात आती।